रमज़ान का महीना चल रहा है और जितनी भी रमज़ान की ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने घर घर पहुंचाने की लोगों की व्यवस्था कर दी है। मस्जिदों को सैनिटाइज करके पूरी तरह क्लोज़ किया जा चुका है और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोग ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, कोई भी बाहर से नहीं जाएगा, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। लोग सहयोग भी कर रहे हैं, अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, कोई भी किसी के घर पढ़ाने नहीं जाएगा। उसका हमारे उलेमाओं ने भी क्लियर कट लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से इबादत करेंगे। अफ्तारी के समय सभी लोग लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसको बरकरार रखेंगे। और जो शाम का समय है उसमें किसी भी तरीके से अफरा तफरी मचा के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी भी तरीके की अफवाह में आप लोग ना आए कि दुकानें खुल रही हैं या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ढील दी जाती है वो सशर्त होती है, उसको हम बाद में सब लोगों को क्लेरिफाई करते हैं। रामपुर में हमने लॉकडाउन में कोई भी ढील नहीं दी है, केवल आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं में जो उद्घोषणा पहले की जा चुकी थी उसी के अनुरूप चल रहा है। कुछ ज़रूरी काम जो हैं वो खोले जा रहे हैं सरकारी काम, और उस पर कार्य चल रहा है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा रही है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी दशा में सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, और जो दुकानदार के सामने ये होगा या जिस मकान के सामने होगा उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, और यही एक तरीका है जिससे हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। और अभी तक हमने बहुत प्रभावशाली तरीके से रामपुर में कोरोना को कंट्रोल किया है। उम्मीद है सारे लोग हमारा साथ देंगे और हम कोरोना पे पूरी तरह कंट्रोल पाए रहेंगे।